Hello students, today we are learning about range of land. तो वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको हम देख सकते हैं, छोटी बड़ी सबसे छोटी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो रेंज ऑफ लैंड, तो कितनी रेंज है जिसके हिसाब से हम उसको मेजर कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियर से लेके हम कितनी ऐसी सारी चीज़ें कितनी रेंज तक में देख सकते हैं, तो वो रेंज है यहाँ पे कि 10^-40 मीटर टू 10^-26 मीटर। ये जो रेंज है ये सारा विजिबल है, 10^-40 मीटर टू 10^-26 मीटर तक की जो रेंज है लेंथ की, उसको हम देख सकते हैं, विजिबल है, ओके? दूसरा रेंज ऑफ लेंथ, तो लेंथ की जो रेंज है वो कौन से यूनिट के हिसाब से है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट यूनिट हम देखते हैं वन फर्मी, फर्मी शॉर्ट में उसको वन FM, स्मॉल FM के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वैल्यू है फर्मी, वो लेंथ का ही यूनिट है फर्मी, यानी 10^-15 मीटर, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, याद रखना है आपको, 1 FM, 1 फर्मी इज इक्वल 10^-15 मीटर। सेकेंड इज 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, सिंबल तो आपको बता ही दिया 1 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू है 10^-10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम में जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, और कितनी है तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी। उसके आगे जाए तो 1 AU, AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सन टू द अर्थ। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द डिस्टेंस बिटवीन सन टू द अर्थ, व्हिच इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल 1.496 × 10^11 मीटर, याद रखना है आपको ये, ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ो तो याद ही रह जाए, क्योंकि ये बार बार हम यूज करेंगे और हमें याद करने नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट इज 1 लाइट ईयर, शॉर्ट में 1 LY बोलते हैं। What is light year? The distance traveled by light with 3 × 10^8 meter per second of speed in 1 year, which is called light year. The distance traveled by light speed 3 × 10^8 meter per second in 1 year is called light year, and one light year 1 LY is equal 9.46 × 10^+15 meter.
and the last unit is one parsec. One parsec. One parsec is equal 3.08 into 10 to the plus 16 meter. अगर पार्सेक का हम देखें तो यहाँ पे सन और ये जो उसकी रोटेशन है ऑर्बिट है, अर्थ की जो ऑर्बिट है तो रेडियस के हिसाब से वो जितना डिस्टेंस आगे जाएगी उसके हिसाब से अगर वो 1 सेकेंड जितना एंगल बनाएगी तो वो है आपका 1 पार्सेक. फिगर और डेफिनेशन इसमें आने की नहीं है, मेन है इसकी वैल्यू. सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो टोटल रेंज जो है 10^-14 टू 10^26 मीटर, जिसमें 1 फर्दी 10^15 मीटर एंगस्ट्रॉम, वो तो पता ही है सबको. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ व्हिच इज 1.496 इनटू 10^11 मीटर. लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट थ्रू द वेलोसिटी ऑफ स्पीड 10^8 मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर व्हिच इज 9.46 इनटू 10^15 मीटर. And 1 parsec is equal to 0.08 into 10^16 meter. So this is the range of length and these are the units of length. अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लिख लो और next lecture हम next theory हम next video lecture में देखेंगे.